तू ही ना मेरा भट्टू। धूल देखो धूल। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया। तो आज की वीडियो की शुरुआत हो रही है दिन से, लगभग टाइम हो गया 12:30 होने वाले और अभी जा रही हूँ मैं घर। और पहले मेरा था नहीं आज घर जाने का, मैंने कल जाना था घर, बट मेरा आज बन गया कि मैंने सोचा कि आज ही चले जाऊँ, क्योंकि आज पापा वगैरह भी आए थे। तो पापा वगैरह क्यों आए थे वो आपको बाद में बताऊंगी, क्योंकि अभी मेरे को काफ़ी लेट हो रहा है, पापा नीचे मेरा वेट कर रहे हैं। और मैंने सुबह ना सैमी बनाई थी, तो अभी मैंने थोड़ी सी खाई, अब मैं सोचा वेस्ट हो जाएगी, यहाँ पर कौन खाएगा, तो मैं इसको साथ में ले रही हूँ, क्योंकि अबू और तब्बू भी चले गए घर। तब्बू और अबू आज सुबह गए घर, और तो मैं सोचा चलो इसको भी घर ले जाती हूँ लंच बॉक्स में पैक करके। तो हमारे साथ कौन कौन है बता दो। हमारे साथ है मेरे नाना, नानी और मेरी छोटी वाले मामी। ठीक है, तो मम्मी पापा आए थे नाना के साथ हॉस्पिटल, क्योंकि नाना की पैर में जैसे कि मैंने बताया प्लास्टर लगा था, तो उनको लेके आए थे हॉस्पिटल। तो अभी हम लोग मम्मी नानी और नाना वगैरह सब लोग हॉस्पिटल से फ्री हो गए, तो अब लोग हम लोग जा रहे हैं वापस घर। तो मैं सैमी भी घर ही ले जा रही हूँ, क्योंकि यहाँ पर ख़राब हो जानी थी। और मम्मी ने आज घर से सामान लिया था वहाँ पर, दूध लस्सी, अब उसको वापस तो क्या ही ले जाऊँ। तो मैंने वो तो मेरी कज़न का है ना पलक पाए, तो उनको ले लेंगे वहाँ पर। और ये सैमी मैं इसलिए पैक कर रही हूँ क्योंकि मेरे को रास्ते में भूख लग जाएगी, क्योंकि मैंने सुबह भी सैमी खाई थी, कुछ भी नहीं बनाया, तो मैं सोचा चलो पैक कर लेती हूँ, रास्ते में खा लूँगी, अभी बर्तन ये कर देती हूँ। तो चलते हैं। और घर क्यों जा रही हूँ, मैक्सिमम लोगों को पता है क्यों जा रही हूँ घर, और जिसको पता ना उसमें आगे के बताऊंगी क्यों जा रही हूँ घर। तो मिलते हैं आपसे थोड़ी देर के बाद, और चलते हैं नीचे, बाय बाय। तो अभी हम लोग चल पड़े हैं, और पायल भी आ गई है, उसको मैंने सामान दे दिए, तो अभी हम लोग चलते हैं। और मैंने ना पता नहीं कौन कौन सा सामान डालना है, कौन कौन सा नहीं डालना है, फिर मेरे को बाद में याद आती है कि मुझे ये डालना है वो डालना है। चलते हैं घर। तो अभी हम लोग चल पड़े हैं, और अभी पहुंचे हैं हम लोग डकोलन नोगली। कम हो जम नोगली नोगली पहुंचे। हाय करो नानी। हाय नानी, हाय करो बोले। हाय हाय करो की चल करो। हाय मजाक मत उड़ाओ मेरे नाना। तो अब चल पड़े हम लोग वापिस। तो अभी पहुंच गए हम लोग निथर, और यहाँ पर ले रहे हम लोग स्वीट्स, और येलो कलर के लड्डू नहीं है ये वाले लेंगे, और बेसन। ये पापा, पापा से हाय। हाय तो करो यार, मेरे सब्सक्राइबर को हाय करो, पहले हाय करो। हाय बोला आपको मैंने कहा। चुप। तो यहाँ पर बहुत टेस्टी स्वीट्स मिलती हैं, आप लोग भी आइएगा। हाय एवरीवन, तो अभी पहुंच गए हम लोग घर, थोड़ी देर पहले पहुंचे हम लोग घर, और टाइम बता दो टाइम हो गया 4:30 का। तो मैं और मम्मी जा रहे हैं खेत गाय के लिए घास लाने के लिए, और देखो बोरू और रासी लेके जा रहे हैं, और मैंने देखो इतना मोटा जैकेट और नीचे सूट इतना पतला पहना है, क्योंकि मेरे को ना कपड़े ही नहीं मिल रहे थे। मम्मी ने मेरा मोटा सूट पतनी कहाँ रखा है, अलमारी में ढूंढना पर मेरे को मिला ही नहीं, तो मैं सोचा चलो इसको पहन लेती हूँ, क्योंकि इतना मोटा जैकेट पहना है मैंने। हम लोग पहले पहुँचे, पहले हम नाना वगैरह को छोड़ने गए मतलब नानी के घर, फिर उनको छोड़ के फिर हमने वहाँ पर खाना वगैरह खाया, तो उसके बाद हम लोग आ गए थे वापस। और अब हम चल पड़े हैं खेत। जी रहे दादी, मम्मी आ रहे पीछे से। तो घास काट के, तो जो घास का सीज़न होता है ना उसको काट के हम ख़त्म हो गए, बट बस हमारे को सिर्फ गाय को घास लाना है, उसके लिए जा रहे हैं। धूल देखो धूल। तो अभी पहुंच गए हम लोग खेत में, और यहाँ से दिखाती हूँ आपको, देखो वो दिखा होगा आपको हमारा गांव, और वहाँ नीचे को है हमारा घर, इतने दूर से आए हम लोग। तो अब शुरू करते हैं घास निकालना, नहीं तो फिर
मौसम भी खराब, जैसे बादल बादल से बारिश आ सकती है आज। मम्मी तो घास काटने लगी। तो अभी ग्लव्स पहनते हैं और शुरू करते हैं घास निकालना। वाह जुल्फी राम, जुल्फी आपकी निकली। तो अभी हम लोग खेत से आ गए हैं और यहाँ पर दादा की एंट्री होती हुई धन था। दादा दादा ओ दादा दादा मत दियो ये देखो, हाय करो, बोलो कैसे आप, बोलो कैसे आप, कैसे आप, ठीक ठाक, ठीक है, राजी तकड़े, बोलो बोलो क्या शिवा दे रहे हैं, चक्कर हो गया कुछ ही बोलना। हाँ बोले बस ठीक है। आप इतना दे रहे क्यों दिख रहे दादा, लाइट पड़ रही है आपके ऊपर बहुत ज्यादा। तो अभी हम लोग थोड़ी देर पहले आए हम लोग खेत से, मम्मी और मैं कुछ दिखाती हूँ आपको मम्मी को क्या गिफ्ट लेके आए। हाँ ये देखो, ये मम्मी को चूड़ी लेके आए राजस्थान से, जो हमारे हमारे घर में जो किराएदार रहते हैं ना वो राजस्थान से, वो आंटी है, तो वो मम्मी को लेके आएगी। दोनों हाथ की बैंगल्स है, मतलब बहुत ज्यादा सुंदर लग रही है और तब उन्हें हाथ में पहनी है। अच्छा दिखा बैग में से दिखाती हूँ, आप कितनी सुंदर है बैंगल से मम्मी को लेके आए, मम्मी के लिए गिफ्ट लेके आए राजस्थान से, मम्मी के लिए स्पेशल गिफ्ट। दूसरा इसका दूसरा वाला पेयर का है, ये इसका फुल पेयर है, ये इसका दूसरा पेयर है, दोनों पहन के दिखा दर कैसा लगेगा क्या। हाँ कितनी सुंदर है ना, इसका कलर भी कितना अच्छा है, कुछ इस तरह से है ये चूड़िया, जो कि मेरे को बहुत अच्छी लगी, इसका कलर बहुत अच्छा है ना, बहुत प्यारी है। तूने सरकार दिल लगा के कब आ गई, शादी कर मैं शादी निकाल, अच्छे से रखना इसको यार, वापिस से निकालेंगे तो मम्मी बहुत गालियां बकेंगे। वैसे भी तो पढ़ती रहती है, और मैंने दोबारा अब संभाल। दादी तो हाय, तो हाय, ओ हाय, बोलो कैसे हो आप लोग, बहुत गंदे, बहुत गंदे दादी, बताओ। तो चलते हैं अब हम लोग किचन में, चूड़िया अच्छे से पैक कर लेती मम्मी, तो वो डेमो पकड़ी। तो अभी हम लोग चल रहे हैं किचन में, तो अभी टाइम हो गया 7 बजने वाले, 7 बजने के लिए रहे हैं 10 मिनट और अभी हम लोग बना रहे हैं खाना। खाना बन गया हमारा, खाना बनाया मैंने दाल चावल, चने की दाल और चावल, और बनाएंगे हम चपाती। तो ये रहा मेरा हलवा, इसमें मैंने बढ़िया दूध डाल के अच्छे से गर्म करके, बहुत ज्यादा टेस्टी लग रहा है खाने में। इतना नहीं खाऊंगी मैं, पापा को, पापा के लिए गर्म किया मैंने, मैंने नहीं खाना, मैं बस एक दो बाइट खाऊंगी फिर पापा को दूंगी। तो अभी हम लोग खाना वगैरह खा के फ्री हो गए और अभी आ गई हूँ मैं रूम में, बर्तन वगैरह साफ किए, झाड़ू वगैरह, और दादा दादी देख रहे किचन में टीवी, और मम्मी पापा चले गए अपने रूम में टीवी देखने के लिए। और मैंने थोड़ी सी सैमी गर्म की थी जो मैं लेके आई थी, पहले नहीं खाई, मैंने सोचा अभी गर्म करती हूँ, उसमें मैंने बढ़िया दूध डाल के उसको अच्छे से गर्म हो जाए, बहुत ज़्यादा टेस्टी है। तो मैं 2-3 चमचे खाई, बाकी मैं पापा को दूंगी, पापा मम्मी चले गए अपने रूम में ऊपर टीवी देखने के लिए। तो और मैं घर क्यों आई हूँ, बहुत सारे लोगों को पता है कि जैसे मेरे दांत में दर्द है, था, अभी भी है थोड़ा थोड़ा, तो इसके लिए मैंने फिलिंग करवाई है, मतलब चला है मेरा दांत का ट्रीटमेंट अभी तक। तो इसके लिए जो होती है ना फिलिंग की, 3 सेटिंग होती है, RCT कुछ ऐसा होता है, वो करवा रहे, मतलब भर रही उस दांत को मैं, ठीक है। तो उसके लिए तीन सेटिंग होती है, ठीक है, उनमें से एक सेटिंग मेरी होगी जब मैं लास्ट टाइम आई थी उस टाइम, और अभी मेरी दूसरी सेटिंग होनी है कल, वैसे तो आज होनी थी बट आज वो कहीं शादी में गए तो शायद इस वजह से आज नहीं हो पाई। उन्होंने बोला था कि कल आएंगे, कल शाम के से टाइम जाएंगे फिर हम लोग, तो कल होगी शायद। और
इसीलिए मैं घर आई, और आना भी ज़रूरी था क्योंकि अभी एक बार ट्रीटमेंट कर दे तो ट्रीटमेंट पूरा करना पड़ेगा जिसमें मेरे को फिर से दर्द होगी, तो इसीलिए मैं घर आई थी। तो अभी बस सोते हैं, और सोते क्या मतलब से ही, और घर में ना काफ़ी ज़्यादा ठंड हो गई है। तो इस वीडियो का एंड मैं यहीं कर रही हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कमेंट, हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलेंगी एक अच्छी सी वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। थोड़ी सी वीडियो होगी क्योंकि यहाँ पर ना नेट की थोड़ी दिक्कत रहती है, वीडियो अपलोड करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है और फिर वीडियो अपलोड ही नहीं होती है। तो मैं चलो थोड़ी सी वीडियो बनाऊंगी, अब देखते कितनी बनी होगी। तो मिलते हैं आपसे कल एक अच्छी सी वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।